से चाहे आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, न तो बिहार में व्यवस्था सुधर जाएगा और आपका बच्चा अगर अनपढ़ रह गया तो उसको फिर कोई अवसर नहीं मिलेगा। अगर चार को बच्चा है, बहुत गरीब है, एक को पढ़ा सकते हैं तो एक को भी पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा, और न पढ़ाओगे तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा, नेता ये चाहता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे ताकि खिचड़ी खा के 4 किलो अनाज पर आप वोट देते रहिए, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर और आपका बच्चा रोड पर, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है। तो अगर अपने बच्चों का जीवन बदलना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये संकल्प लेकर जाइए और भरोसा रखिए अगले साल बिहार में व्यवस्था बदलने जा रही है।